पुरुषोत्तम मुखर्जी भाषा प्रसंग अध्यक्ष बड़वानी। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया बारे में? आज बार में जो शहीद जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बार के अंदर 2 बजे मौन रखा गया और उनको श्रद्धांजलि सभी अभिभाषकों ने मिलकर दी। नाम है आपका? किस बात को लेकर पुतला जलाया? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकवादी हमला उसी को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने यह पुतला दहन किया। हम साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि जो देश में छुपे गद्दार जो आए दिन पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, मणिशंकर अय्यर सिद्धू जैसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो एवं जो भी लोग पत्थरबाजों के समर्थन में उतरते हैं उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा कायम हो और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। ये दिनो हटिया यार समझो तू ही आगे पूरा लगातार कल शाम से जो लोगों को मालूम पड़ा इस देश के खिलाफ जो पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत करी, हमारे सेना के जवानों को 40 जवानों को कायरतापूर्ण तरीके से शहीद करा, उसके खिलाफ आज पूरे देश में रोष है और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, सभी ऐसे संगठन जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं उन सब ने मिलकर आज हमारे इस जुलवाने में पुतला दहन करा आतंकवाद और पाकिस्तान। मोदी जी को 56 दिन से का सेना कहते हैं, क्या इसका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा? मोदी जी का सेना 56 इंच का है और रहेगा। पाकिस्तान को जवाब मोदी जी के साथ हम सबको मिलकर देना पड़ेगा। अगर हम इसमें भी राजनीति करेंगे तो पाकिस्तान और ऐसे दूसरे देश जो हमारे राष्ट्र की उन्नति से तकलीफ में है वो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा राजनीति हो। ऐसे समय भी अगर राजनीति होती है तो फिर इस बीच आप परमपिता परमेश्वर आदि शक्ति माँ जगत जननी से कामना करें कि हे ईश्वर हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें ईश्वर अपने श्री चरणों में ले, उन्हें उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, ऐसी कामना मन ही मन करना है। ओ फिलहाल कोई अलर्ट है कि आतंकवादी हम लोग फिलहाल कोई अलर्ट है कि आतंकवादी हम लोग बात को अलर्ट है कल के हमले के बाद? नहीं, देखिए सब जगह हमेशा 2400 घंटे और 12 महीने अलर्ट, हमारा पूरा डिपार्टमेंट और लाइन आर्डर के हिसाब से हम लोग अलर्ट रहते हैं हमेशा। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? आतंकवादी घटना को लेकर क्या कहेंगे? हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये जितने भी जो आतंकवाद है इसका हम विरोध करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अभी हमने जो कल की जो घटना हुई हमने हमारे जो शहीदों को श्रद्धांजलि भी जो दी है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसकी जितनी निंदा करें जितनी हम इसकी भर्त्सना करें वो कम है। केंद्र सरकार